हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डीजी लॉकर से आप अपना मार्कशीट कैसे निकाल सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है हमारे लिए, जो हमें हर जगह काम पड़ती, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे कुछ भी आपका जॉब इंटरव्यू हो, किसी भी चीज़ में आपको इस मार्कशीट की ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो चलिए देखते हैं कि हम डिजी लॉकर से मार्कशीट कैसे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे, मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे आपको ले जा रही हूँ। यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्ले स्टोर में डिजी लॉकर। डिजी लॉकर अब हमारा ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसे डाउनलोड करेंगे, और ये मेरे मोबाइल में पहले से डाउनलोड है, सो हम यहाँ पर ओपन करेंगे। यहाँ पर हम अपना लैंग्वेज प्रेफरेंस चूज़ करेंगे, इंग्लिश। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते रहते हैं कि कैसे हम अपना निकाल सकते हैं मार्कशीट। चलिए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। हमें सबसे पहले क्या करना, तो हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो चलिए देखिए मैं कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा आता है क्रिएटिंग अकाउंट का, अपना नाम लिखना है आपको, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपका जेंडर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, पिन लिखना है, फिर आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर का जो पिन है वो लिखना है, 6 डिजिट वाला। तो आपके आधार कार्ड पे वो पिन होगा, वो आपको लिखना है यहाँ पर, और उसके बाद साइन इन करना है। अब मैंने पिन यहाँ पे डाल दिया है। अब पिन डालने के बाद मैं साइन इन करूँगी। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड, जो कि आपको यहाँ पे इंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट करना है, तो आपका डिजी लॉकर का जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका आधार नंबर शो कर रहा होगा, आप किस बोर्ड से वो शो करना कर रहा होगा, अगर आप CBSE से हैं CBSE बोर्ड शो कर रहा होगा। चलिए अब हम नीचे देखते हैं कि हम लोग कैसे अपने डॉक्यूमेंट निकालेंगे। तो हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च का। तो अब आप सर्च पे जाइएगा और यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सर्च कीजिएगा, जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपको मार्कशीट चाहिए तो यहाँ पे आप मार्कशीट सर्च कीजिएगा। फिर आपको रोल नंबर डालने को आएगा, आप रोल नंबर डालिएगा, अपना ईयर डालिएगा, एंड देन फिर आपको आपका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। 10th का आपको मार्कशीट, माइग्रेशन, आधार कार्ड, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आपका मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको आपका मार्कशीट मिल गया। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इजी था। सो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिसको भी इसकी नीड है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।